अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हाजरे खिदमत में एक नई वीडियो लेकर। रमज़ानुल मुबारक में एक ऐसी साथ है, एक ऐसा वक्त है जिस वक्त बंदा दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। तो हमें चाहिए कि उस वक्त को तलाश करके उस वक्त दुआ में मशगूल रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर जायज़ मकासद को पूरा कर दें, जो भी दुआ करें अल्लाह तआला कबूल करें। तो आइए हदीस पाक की तरफ नज़र करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार की इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती, यानी रोज़ादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, जब वो रोज़ा इफ्तार करे उस वक्त वो दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करता है। तो हमें चाहिए कि रोज़ा इफ्तार के वक्त हम दुआ में मशगूल रहें और अपने भी लिए भी दुआ करें और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें। और दूसरा, आदिल बादशाह की दुआ रब तबारक व तआला रद्द नहीं करता है, कबूल फरमाता है। और तीसरा, मजलूम की दुआ, अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को कबूल फरमाता है। जिस पर जुल्म किया गया हो या जुल्म किया जा रहा हो, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उसको अब्र के ऊपर उठा लेता है, यानी आसमान के ऊपर उठा लेता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी इज्जत व जलाल की कसम मैं उसको अता करूंगा, अगरचे थोड़े जमाने के बाद। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये रमजान मुबारक बहुत ही बरकत और रहमत वाला महीना है। जब रोजा इफ्तार करने के लिए जाएं तो 10 मिनट कबल ही दुआ में मशगूल हो जाएं, अपने लिए दुआ करें और अपने अहलो आयाल के लिए दुआ करें और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें, बिलखसूस फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें और फिलिस्तीन के माओं के लिए दुआ करें। उन पर जुल्म किया जा रहा है, उसका इंतहा नहीं है, जुल्म की इंतहा नहीं है। और वो रोजा भी इफ्तार करते हैं तो घास फूस से, पानी से रोजा इफ्तार करते हैं। ये वक्त आ चुका है हमारे फिलिस्तीन मुसलमान भाइयों पर, तो उनके लिए बिलखसूस दुआ करें। और जब भी दुआ करें, चाहे वो नमाज में दुआ करें या इफ्तार के वक्त दुआ करें या किसी वक्त में भी दुआ करें, तो उन्हें जरूर याद रखें, वरना कयामत के मैदान में अगर वो हमारी शिकायत करेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे। और फिलिस्तीन के मुसलमान पूरे उम्मत मुसलमा को पुकार रहे हैं, जितनी हुकूमतें हैं दुनिया में मुसलमान, उन सब हुकूमतों को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई उनको मदद को तैयार नहीं है। तो बिलखसूस जिससे जितना हो सक रहा है मदद करने की कोशिश करें और दुआ करें, अल्लाह ताला यकीनन कबूल करेगा और उन्हें इस जुल्म से निजात अदा करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।